Good morning, students. Today I will teach you the next stanza, 25, page number 26. The chapter name is Our New Aquarium. Now, regal tank. Next fish is regal tank. These fish are usually referred to as dory fish by children. Tanks belong to a family of fish called surgeon fish. They have a small retractable and blade toward their tail fin. This blade is generally used for defense. They extract it and rub against an attacker in an effort to drive it off. ये जो रिगल टैंग है ये बच्चे के लिए डॉरी फिश के नाम से जाना जाता है. टैंक्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ फिश कॉल्ड सर्जन फिश. सर्जन फिश के फैमिली से आता है ये. दे हैव अ स्मॉल रिट्रैक्टेबल ब्लेड टूअर्ड देयर टेल फिन. टेल में जो फिन होता है उसके साथ ये स्मॉल एक रिट्रैक्टेबल ब्लेड होता है जिसको बोलता है थिंग्स दैट कैन बी मूव्ड और पुल्ड बैक इन टू द मेन पार्ट ऑफ समथिंग. मतलब पीछे खींचता है मेन पार्ट से. दिस ब्लेड इज जनरली यूज फॉर डिफेंस. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस के लिए वो यूज करता है. दे एक्सट्रैक्ट इट एंड रब अगेंस्ट एन अटैकर. ये एक्सट्रैक्ट जो है इसकी मीनिंग है पुल आउट. वो पुल आउट मतलब वो ऐसे खींचते हैं जो कोई अटैक करने आता है उसके अगेंस्ट में इसको ये यूज करता है. इन एन एफर्ट टू ड्राइव इट ऑफ. ये इसका एक कोशिश होता है कि उनको धक्का मार के दूर में फेंक दे. नेक्स्ट है कोरल ब्यूटी. दीज आर स्मॉल एंजल फिश. दे आर यूजुअली अवेलेबल एट द लोकल पेट स्टोर्स एंड आर अ डिलाइट टू वॉच. दे आर वेरी कलरफुल बट टफ एंड हार्डी. दे कैन यूजुअली बी सीन इन मेनी एक्वेरियम्स एज दे आर रेडिली अवेलेबल. कोरल ब्यूटी जो है वो स्मॉल एंजल फिश मतलब एकदम बहुत सुंदर है. एकदम एंजल फिश बोला जाता है उसको. दे आर यूजली अवेलेबल इन द लोकल पेट स्टोर. हम लोग जहाँ से एक्वेरियम खरीदते हैं वो लोकल एरिया में ही मिल जाते हैं एंड उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है. दे आर वेरी कलरफुल बट टफ एंड हार्डी. बहुत ज्यादा टफ होता है, हार्ड फिश होता है. दे कैन यूजली बी सीन इन मेनी एक्वेरियम्स एज दे आर रेडिली अवेलेबल. मेनी एक्वेरियम्स में ये देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अवेलेबल अच्छा होता है. फ्लेम एंजल. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू कोरल ब्यूटी. These fish have real vibrant colors like coral beauty. They are usually easily available and affordable. Flame angel जो fish है इसको एकदम related to coral beauty. मूंगा का जो beauty होता है उससे वो related है. मूंगा का color देखा है उसका color के according है. मूंगा is this is मूंगा and coral beauty. This is also coral beauty closely related. This देखो मेरे हाथ में भी मूंगा है. ये मूंगा के साथ ये बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं. This fish have real vibrant colors. इसका एक vibrant colors होता है जो बहुत colorful, active and बहुत ज्यादा lively होता है. Like coral beauty they are usually easily available and affordable. Coral beauty के साथ साथ ये available होता है और affordable मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं होता. इसके बाद आता है कोई. दे आर जनरली ऑरेंज और व्हाइट इन कलर. ये जो कलर होता है इसका व्हाइट और ऑरेंज कलर का होता है. हाउ एवर देयर आर अबाउट मोर देन 100 कलर वाइब्रेशन ऑफ कोई. मतलब इसका 100 ऑफ कलर्स है. दे कम इन मेनी कलर्स इंक्लूडिंग ऑरेंज, रेड, व्हाइट, गोल्ड एंड ब्लैक. बहुत सारे कलर्स का इसको देखने को मिलता है. ऑरेंज, रेड, व्हाइट, गोल्ड एंड ब्लैक. सर्टेन पैटर्न्स आर सॉट आफ्टर बाई कीन कोई कलेक्टर्स who are ready to pay thousands of rupees for a single fish. कुछ patterns इसका ऐसा है जो कोई collectors जो होते हैं ना वो ready to pay मतलब वो एकदम बहुत ज्यादा single fish के लिए 1000 rupees pay करने के लिए वो ready हो जाते हैं. Then आता है Moorish Idol. It is one of the most difficult fish to keep in a home aquarium. इसको हाँ मतलब हमारे घर में जो aquarium होता है उसमें रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल. बहुत ज्यादा महंगा होता है. मोस्ट एंथुजियास्टिक एक्वेरिस्ट्स लाइक टू कीप दिस फिश इन देयर एक्वेरियम्स. बहुत ज्यादा जो एंथुजियास्टिक एक्वेरिस्ट्स होते हैं जो एक्वेरियम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो उनका पसंद होता है, चाहत होता है कि ये एक्वेरियम्स में रहे. दे आर नॉट इजिली अवेलेबल फॉर सेल. इसको ज्यादा सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता. दे लुक वेरी मच लाइक द बैनर फिश ऑल्सो नोन एज द फॉल्स आइडल.
इसको बैनर फिश की तरह देखने को मिलता है। देखो इसको बैनर टाइप का, बैनर जो हम लोग प्लैकार्ड या बैनर लगाते हैं उस टाइप का देखने को मिलता है। इसका और एक नाम है फॉल्स आइडल। देन लाइन फिश और जेब्रा फिश, इट इज अ फैसिनेटिंग स्पीसीज, इट इज फेवरेट ऑफ मोस्ट फिश लवर्स एंड दे गेट इजिली मेस्मराइज्ड वॉचिंग अ लाइन फिश स्विम। ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग, बहुत ज्यादा आकर्षणीय एक स्पीसीज है और सारे फिश लवर्स जो होता है बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाता है इसको देख के, मतलब फैसिनेटेड हो जाता है कि इसको रखने के लिए। लायन फिश स्विम जब करता है ना बहुत देखने को अच्छा मिलता है, बट इट कैन बी डेंजरस इफ वन इज नॉट केयरफुल। ये बहुत डेंजरस भी होता है अगर ये केयरफुल हम लोग ना हो तो। द स्पाइन्स ऑन इट्स बैक पोजेस अ पेनफुल एंड पावरफुल वेनम। वेनम एक जहर होता है जो इनके स्पाइन्स से निकालते हैं। थैंकफुली द लायन फिश इज समवट डॉकल एंड नॉट अ फर्स्ट स्विमर। तो लायन फिश फॉर्चुनेटली इट इज अ नॉट डॉकल, मीन्स नॉट वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता और नॉट वेरी फर्स्ट स्विमर, बहुत ज्यादा तेजी से स्विम नहीं करता। बट ऑल एक्वेरियस्ट्स हु ओन अ लायन फिश मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन क्लीनिंग देयर टैंक। जब हम लोग टैंक साफ करते हैं ना, एक्वेरियम का टैंक होता है, तो एक्वेरियस्ट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा अगर उनके पास लायन फिश या जेब्रा फिश है तो। नाउ डिस्कस, इट इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट ब्यूटिफुल स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश। इट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फ्रेश वाटर स्पीसीज, सेकेंड ओनली टू द कोई और द एरोना। अ 3-inch स्मॉल डिस्कस कैन रेंज एनीथिंग बिटवीन ₹2,500 एंड 4,000। देर आर मेनी कलर वेरिएशन ऑफ डिस्कस, मोस्ट ऑफ विच आर सिंपली अमेजिंग। Although they are freshwater species, they do require more experience and care than other saltwater fish. Discuss, देखो कैसे कितना अच्छा देखने में है। It is probably the single most beautiful species. ये बहुत मतलब beautiful species है जो freshwater fish भी हम कहा जाता है। It is also very expensive, बहुत ज्यादा expensive है और ओनली टू द कोई और द एरोना, मतलब सेकेंड ओनली, मतलब इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं एरोना या कोई का। 3-inch टाइप का लंबा होता है ये और इसका रेंज होता है 2,500 से 4,000 तक। देयर आर मेनी कलर वेरिएशन ऑफ डिस्कस, बहुत ज्यादा कलर वेरिएशन होता है, मोस्ट ऑफ विच आर सिंपली अमेजिंग, बहुत ही एक्सीलेंट देखने में होता है। Although they are freshwater species, they do require more experience and care than other saltwater fish. इसके ये उसका freshwater fish species है, लेकिन इसके लिए बहुत experience और careful होना पड़ेगा अगर इसको saltwater fish के साथ रखा जाए तो। Next है mandarin. It is a lesser known species. It is probably the only species that is the most colorful and vibrant. देखो कितना बढ़िया देखने में है, कितने कलरफुल है ये। There are of two varieties, the standard mandarin and the psychedelic mandarin. The standard mandarin typically has more interesting patterns and colors than the psychedelic, but both are very beautiful fish. These small fish usually not more than 6 inches full grown. Usually don't cost more than 1,000 for a specimen, but it is difficult to feed them. They only eat small micro invertebrates that live live rock in coral reefs. To keep this fish in a home aquarium, you need to have sufficient amount to leave coral rock that has been in the tank for at least a month before putting the fish in the tank. Isko maintain karna bahut zyada tough hai, क्योंकि ये बहुत लेसर नोन स्पीसीज है और ये जो स्पीसीज है कलरफुल और वाइब्रेंट होता है। इसका टू वेराइटीज होता है, एक स्टैंडर्ड मैंड्रीन और एक होता है साइकेडेलिक मैंड्रीन। और जो स्टैंडर्ड मैंड्रीन है वो टिपिकली हैज मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड कलर्स देन द साइकेडेलिक, बट बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल फिश, दोनों ही बहुत अच्छा देखने में होता है। दिस स्मॉल फिश यूजुअली नॉट मोर देन 6 inches, 6 inches से ज्यादा इसका ग्रोन अप नहीं होता। डोंट कॉस्ट मोर देन 1,000 फॉर स्पेसिमेन, 1,000 से ज्यादा भी इसका कॉस्ट नहीं होता। बट इट इज डिफिकल्ट टू फीड देम, इसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। दे ओनली ईट स्मॉल माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स, ये एकमात्र माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स से खाते हैं दैट लिव विद इन लाइव रॉक इन कोरल रीफ्स।
कोरल रिफ्स के अंदर जो लाइव रॉक होता है उसके अंदर जो माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसको खाते हैं। टू कीप दिस फिश इन अ होम एक्वेरियम यू नीड टू हैव सफिशियंट अमाउंट टू लाइव कोरल रॉक, मतलब आपको अगर घर में रखना है तो आपको प्रॉपरली इसके लिए वो एटमोसफियर तैयार करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइव कोरल रॉक दैट हैज बीन इन द टैंक फॉर एटलीस्ट मंथ बिफोर पुटिंग द फिश इन द टैंक, मतलब उसको रखने के पहले एक महीना से उसका प्रॉपर एटमोसफियर उसको तैयार करना पड़ेगा। दिव्यम हैड वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई थॉट ही डिजर्व्ड टू हैव एन एक्वेरियम। सो द नेक्स्ट डे आई वेंट ऑन अ सर्वे ऑफ लीडिंग एक्वेरिस्ट्स इन द सिटी एंड फाइनली बॉट हिम अ ब्यूटिफुल एक्वेरियम विथ फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस इन इट। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू लुक आफ्टर द फिशेस हिमसेल्फ। डू यू वॉन्ट टू सी माई एक्वेरियम, हियर इज अ पिक्चर ऑफ इट। तो दिव्यम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था उसकी मम्मी को कन्विंस कराने के लिए, तो उसकी मम्मी ने ये सोचा कि ये डिजर्व द प्रॉपर हैव एन एक्वेरियम। तो नेक्स्ट डे जाके एक अच्छा सा एक्वेरियम खरीद के लाए और उसमें फाइव ब्यूटीफुल फिशेज भी रखा। ही वॉज वेरी हैप्पी, उसने बहुत खुश हुआ और ही ऑल्सो प्रॉमिस टू लुक आफ्टर द फिशेज, उसने प्रॉमिस भी किया बहुत अच्छे से देखभाल करेगा। नाउ आई जस्ट मार्क आउट द हार्ड वर्क्स, यू जस्ट डू इट। नाउ डॉडी फिश, सर्जन फिश, रिट्रैक्टेबल ब्लेड एक्सट्रैक्ट, सॉरी डिफेंस एक्सट्रैक्ट अटैकर। नेक्स्ट एंजल फिश अवेलेबल, डिलाइट हार्डी, कोरल ब्यूटी वाइब्रेंट अफोर्डेबल। नाउ वेरिएशंस, सर्टेन पैटर्न्स, नाउ एक्वेरिस्ट बैनर फिश, फॉल्स आइडल, फैसिनेटिंग, mesmerized, spines, dangerous, painful, powerful venom, docile, next freshwater, arowana, amazing, probably standard mandarin, psychedelic mandarin, micro invertebrates, project dissolved, हाँ। नाउ आई जस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर एंड मार्क आउट द हर्ड वर्ड्स, यू हैव टू राइट द हर्ड वर्ड्स एंड ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। नेक्स्ट डे आई विल डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।